हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, और सबको प्यार भरा गुड आफ्टरनून। और लंच वंच हो गया आप लोगों का? मेरा तो हो गया, इसलिए क्योंकि आज सुबह से क्लास थी मेरी, सुबह 10 बजे से क्लास लेती हूँ मैं। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है, और आप लोगों की तरफ से ही क्वेश्चंस आ रहा है, उसी का रिप्लाई मैं दे रही हूँ। कि बहुत से लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि आपको दूसरी शादी क्यों करनी पड़ी, ऐसी क्या मारी पड़ी थी कि आपको जब पहली शादी में ही आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था तो आपको दूसरी शादी नहीं करनी थी। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, तो मुझे कई बार सुन पढ़ के बुरा भी लग रहा है, और कई लोग सही भी बोल रहे हैं। वो उनकी तरफ से वो लोग सही हैं, वो जो सोच रहे हैं मेरे लिए, तो शायद उनका सोचना सही है कि मुझे ऐसी क्या मारी पड़ी थी। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक एक बात शेयर कर रही हूँ, सारी बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो ये बात भी मैं आप लोगों से हाइड नहीं करूँगी कि मुझे दूसरी शादी करने की पड़ी क्या थी, या मेरे पेरेंट्स को क्या पड़ी थी मेरी दूसरी शादी करने की। एक्चुअली देखो दोस्तों, हुआ क्या था, 2017 में मेरा डाइवोर्स हुआ, ये आप लोगों को सबको मालूम है। इसके बाद 2018 की ही बात, 17-18 की ही बात है, सेम टाइम पे डाइवोर्स होने के बाद, जब मैं स्कूल में जॉब करती थी, दैट टाइम पर मैं फाइन आर्ट टीचर थी यहाँ के कॉन्वेंट स्कूल में, वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे सलाह दी और बहुत से लोगों ने दी, पर्टिकुलर तो उसने मुझे सबसे ज़्यादा समझाया। तो बोलती है कि दीदी अभी आपकी उम्र ही क्या है, और अभी आप ज़्यादा बड़े हो नहीं हो, और सबसे बड़ी बात तो आपकी छोटी बच्ची अभी छोटी है और राधिका भी छोटी है, तो कहले आप, एक्चुअली लाइट चली गई शायद इसलिए थोड़ा सा डिम हो गया होगा, तो बोली कि आप है ना दूसरी शादी के लिए क्यों नहीं सोचते। तो सुन के मुझे जस्ट शॉक लगा था, तो मैंने कि नहीं बेटा, मुझे दूसरी शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, सब कुछ कितना कुछ है, और मैं अकेली ही ठीक हूँ। लेकिन उसने इस तरीके से मेरा बार बार बोल बोल के मेरा माइंड ऐसे वॉश किया कि मेरे भी दिमाग में ये चीज़ भर गई कि यार नहीं यार, एक अकेली औरत की वक़्त नहीं है, और दूसरा आगे डाइवोर्स ही टैग लगा हुआ उसकी तो बिल्कुल भी वक़्त नहीं है। मतलब कोई ऐसे ही देखते हैं कि अरे ये तो डाइवोर्स ही हैं, इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ दिया, वो ये नहीं सोचेंगे कि हमने छोड़ दिया, वो ये सोचेंगे कि नहीं उनने छोड़ दिया। मतलब ये चीज़ लोगों की टेंडेंसी रहती है, उन्हें नहीं मालूम कि आखिर लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स रही हैं। मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाती हूँ ताकि आप लोगों को, एक्चुअली लाइट का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहा है दोस्तों, मैं क्या कर सकती हूँ, वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम जा रही है। एक्चुअली हमारा क्या है, इन्वर्टर भी ख़राब हो गया है, अभी शायद सही दिख रहा होगा, है ना। तो दोस्तों फिर क्या हुआ कि मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें आने लगी, क्योंकि कोई भी इंसान हो उसको आप कंटिन्यू ये बोलते रहोगे कि नहीं ऐसा करो ऐसा करो, तो उसको भी एक ना एक दिन ऐसा फील होने लगेगा कि नहीं यार वाकई शायद ये लोग सही बोल रहे हैं। तो मुझे भी यही लगा कि यार मैं अकेली हूँ, पेरेंट्स कब तक हैं, एज्ड हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरा मकान भी चला गया था और मैंने जॉब भी छोड़ दिया था टेंशनों के कारण बाद में। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने उससे ये बोला कि मुझे अब इस एज में, मतलब दैट टाइम, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार मेरी दो दो बच्चियां हैं, क्या करना है। तो बोले कि नहीं मैडम, आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, कल आप डाइवोर्स ही मैट्रिमोनियल पे प्रोफाइल बनाइए और वहाँ पर एक से एक लड़के आप लोग आपको मिलेंगे। तो मैंने उसकी बात मान ली, और उसने ही मेरी, मुझे तो ये सब आता भी नहीं था, आपको पता है कि मैं इतनी टेक्निकल नहीं हूँ, तो उसने मेरी प्रोफाइल डाइवोर्स ही मैट्रिमोनियल पे बना दी। और जैसे ही मेरी प्रोफाइल बनी, मेरी पिक्स वगैरह डली, एक से एक लोगों के नंबर्स मेरे साथ शेयर होने लगे, बहुत लोगों की प्रोफाइल सामने आने लगी। तो हम लोग दोनों ही बैठ के, जब फ्री पीरियड होता था हम लोग का, तो हम दोनों देखते थे, घर में भी सब डिस्कस करके रखा हुआ था, पेरेंट्स ने भी बोला था कि ठीक है तुम अपने हिसाब से देख लो, तुम्हें जो सही लगे, जो तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ ये बंदा सही है। तो गलती कुछ इस जगह पेरेंट्स से भी हुई है कि उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया था, मेरे भाई ने भी मेरे ऊपर ही छोड़ दिया था, इन लोगों ने खुद से सर्च नहीं किया, जबकि इनको पता था कि ये धोखा खा के बैठी है पहली बार में, तो इनको ये चीज़, क्योंकि ये लोग बड़े हैं एक्सपीरियंस्ड हैं, तो यहाँ पे मैं इन लोगों की गलती बोलूँगी कि इन लोगों को ये चीज़ देखनी थी, वहाँ जाके सर्च करना था, सब कुछ करना था, मेरे ऊपर ही इन सब चीज़ों को लेके नहीं छोड़ना था। तो यही सब हुआ, प्रोफाइल्स पे प्रोफाइल्स देखते गए देखते गए, कई लोगों से बात भी करी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा मेन मोटो ये था कि मुझे अपनी लड़कियों के लिए जो ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, मतलब लड़कियों के लिए ज़्यादा सोचे
मेरे लिए ना सोचे, मतलब क्योंकि क्या होता है कि अच्छी लेडी देखी नहीं कि उनको ये लगता है कि हाँ चलो अच्छी है, बच्चियों के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाए। तो मेरा मन यही था कि नहीं, जो बच्चियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा मैं उसी को ही वो करूँगी। तो ये ब्रजेश पटेल जिसने मुझे चीट किया है, उसकी ही प्रोफाइल जब सामने आई तो उसने स्पेशली मेरी बच्चियों पर ज़्यादा जोर दिया था, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये बंदा सही है और बच्चों पर ज़्यादा। और वो तो फिर इसने इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करी हैं, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1.5-2 साल तक बहुत ज़्यादा माइंड वॉश कर दिया था हम लोगों का और हमें समझ में भी नहीं आया। तो दोस्तों आप लोगों को शायद इस चीज़ का आंसर मिल गया होगा, और मतलब कि मुझे दूसरी शादी क्यों करनी पड़ी, कि ये चीज़ मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में। और दूसरा एक चीज़ और था कि मैं आके अपने भाई के घर पर रह रही थी, ये तो माँ का घर है, भाई का घर अलग है, वहाँ रह रही थी। तो कहीं ना कहीं रोज़ आके भाई भी मुझसे बोलता था कि आज किसी से बात हुई, आज किसी से आपकी बात हुई। तो वो मुझे बहुत टॉर्चरिंग लगता था, मैं सच बता रही हूँ, बार बार आके मुझसे बोलना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं यहाँ बोझ तो नहीं बन रही हूँ, मतलब ये चीज़ मेरे माइंड में बार बार आ रही थी। तो कहीं ना कहीं मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो रही थी रोज़ के रोज़ डेली उसका आके पूछना कि आज किसी से बात हुई, कितने कौन कौन से हुई है, तो क्या चीज़ सही लगी तुम्हें, क्या मतलब हो सकता है वो एज ए पेरेंट मेरे से इस तरीके से पूछता हो, लेकिन मुझे वो टॉर्चरिंग लग रही थी बार बार। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान जो करना है जल्दी से कर दो आप, तो जैसा भी हो जो है। तो इसके साथ ये चीज़ यही हुई कि आनंद फानन में सब कुछ हुआ, ज़्यादा डीप में जाके बस ये लगा कि बात कर रहे हैं तो सब सही है, जो वो बता रहा है वो सही है, और डिसीजन ले लिया। और जब वो आया तो यहाँ शादी भी हो गई। बस यही रहा कि भगवान का लाख लाख शुक्र रहा कि हम लोग यहाँ से गए नहीं, उसके वो मुझे लेके भी नहीं गए। वो उसने यही बोला कि वो लेके भी क्यों जाता, क्योंकि उसकी तो पहले से ही बीवी है उसके घर पर, उसका पूरा परिवार था, तो उसने तो मेरे साथ धोखा कर रहा था ना, वो तो धोखा करने के लिए उसने मेरे साथ शादी की थी। तो मेरे से ये बोल के गया था कि मैं तो मिशन है मेरा, तो मैं बाद में आके लेके जाऊंगा। मेरे पापा ने ही बोला था कि जब तक तुम अपने पेरेंट्स को लेके नहीं आओगे, जब तक हम अपनी लड़की को नहीं भेजेंगे यहाँ से। तो यही हुआ, और बस 2-4-5 महीने में सारी बातें खुल गई और सारी सच्चाई हम लोग के सामने आ गई कि हम लोग के साथ चीट हुआ है। तो दोस्तों इतना ही ये सब कुछ था जो इतना मजबूरी बस मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी, अदरवाइज़ मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं था। और आज तक भी उसके बाद इतना चीट होने के बाद मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आया, जबकि मेरे लिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऑफ़र भेजते हैं, इवन मेरे पेरेंट्स के पास ही कितने लोगों ने ऑफ़र भेजा कि नहीं आपकी लड़की घर में है तो हो जाएगी उसकी, समाज में ही कर देते हैं दूसरी शादी। मेरे मामा वगैरह ने भी बोला कि नहीं इसकी शादी कर दो, ये घर में बैठी है। तो पर मम्मी पापा भी इस फेवर में नहीं है अब, और मैं तो बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि मैं ऐसा कुछ अब लाइफ में सोचूंगी, बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। इसलिए इस तरीके के विचार जो भी ये वीडियो देख रहा बिल्कुल भी मेरे लिए लेकर नहीं आए कि हम कभी शादी के लिए भी सोचें, क्योंकि जो इंसान 2-2 बार धोखा खा चुका हो वो ऐसे कैसे सोच सकता है कभी भी। अब मेरे लिए मेरी बच्चियाँ ही हैं, जो भी हैं मेरी बच्चियाँ हैं उनके लिए मैं सिंगल पेरेंट हूँ, लेकिन उनके लिए माँ भी मैं ही हूँ, बाप भी मैं ही हूँ, मैं उनका लालन पोषण बहुत अच्छे से कर रही हूँ। और सच बताऊँ दोस्तों सबसे अच्छा फॉर्मूला मेरे लिए मैं ये अपनाती हूँ कि मैं बिजी रहती हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, सुबह से शाम तक बिजी रहती हूँ, रात में ऐसी नींद आती है थक हार के कि बता नहीं सकती। तो ये सब चीज़ सोचने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं होता है कि मुझे शादी के लिए सोचना है या कुछ भी सोचना है, क्योंकि वो ज़िंदगी अब मेरी निकल चुकी है बिल्कुल। तो आप लोगों को आपके क्वेश्चन का बखूबी जवाब मिल गया होगा कि मुझे दूसरी शादी करने की क्या पड़ी थी, है ना, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी बन गई थी, बहुत चीज़ें ऐसी क्रिएट कर दी गई थी मेरे सामने कि मैं मजबूर हो गई थी डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि ना मेरे पास घर था ना पैसा था और मैं रोड पे आ चुकी थी, ना मेरे पास जॉब थी। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं मायके पे बोझ नहीं बनूंगी और मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। उस टाइम मैं डिप्रेशन में जा रही थी, आप लोगों को ये बताऊँ, बहुत चीज़ें ऐसी हो रही थी। और जब मेरी इससे शादी हुई, आप लोग ब्लेम ही करोगे, उस दिन मैं इतना खुश थी, इतना खुश थी, पर मुझे नहीं मालूम था ये खुशी मेरी चंद महीनों की, थोड़े से टाइम की है, कि जब सब चीज़ खुलेगी ना तो मेरे ऊपर कितना बड़ा पहाड़ गिरने वाला है, ये उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं मालूम था दोस्तों। मतलब मैं उस दिन बहुत खुश थी कि अब तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, अपने दोनों बच्चों को लेके चली जाऊँगी, और मतलब मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी अब, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये सब सपनों में ही था मेरे, है ना, हकीकत में जो चीज़ सामने आई है ना मेरे, मैं जानती हूँ कि मेरे सामने किस तरीके से वो हकीकत आई सामने, वो जो चीज़ मैंने सुनी और उसके बाद मैंने जो सहा है, और कितना डिप्रेशन में मैं रही हूँ कि मैं किसी से मिलती नहीं थी,
कुछ नहीं करती थी, मैं घर से नहीं निकलती थी बिल्कुल भी, कि ऐसा ना हो कि लोगों के क्वेश्चंस मेरे ऊपर आने लगे, लोग मुझसे कुछ पूछने लगे। अभी मैं बाहर निकलूँ पूछे कि अरे आपके हस्बैंड अभी तक आपको लेने नहीं आया। इवन मेरे पेरेंट्स से बार बार पूछा जाता था कि आपकी लड़की घर में बैठी है, उसकी आपने दूसरी शादी कर दी तो वो लेने क्यों नहीं आता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इतना परेशान कर रहे थे हम लोगों को कि हम बता नहीं सकते। और जब फिर सारी बातें सामने खुली हैं तब तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई कि कितना कुछ मेरी लाइफ में होके पड़ा है कि वो बंदा तो शादीशुदा है और उसके तो बच्चे भी हैं और वो तो मुझे कभी लेके नहीं जाएगा, ऊपर से इतना बड़ा चीट कर दिया मेरे साथ, कुछ इतना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। लेकिन हार नहीं मानी दोस्तों, बिल्कुल नहीं मानी हार। हुआ था बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ था, डिप्रेशन में गई तो मतलब ऐसी हो गई थी मैं कि रोती रहती थी, बस मोबाइल सामने रखा रहता है, बस उसको खिसकाती, मतलब उसमें ये कमरे में अपने बेड पे बैठी थी, रूम में अपने बेड पे बैठी रहती थी, रूम का दरवाज़ा लगाए रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। इवन मैं अपने बच्चों पे मतलब ऐसी छिड़कने लगी थी, ऐसा मतलब मेरा माइंड हो गया था कि नहीं मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरी ज़िंदगी कोई काम की नहीं है। इवन माइंड में बार बार सुसाइड का आता था कि नहीं मुझे अब नहीं जीना है, मतलब मुझे मरना है, अब कुछ भी नहीं करना है। लेकिन क्या पता क्यों फिर मेरी माँ ने मेरे भाई ने मुझे बहुत समझाया और बच्चों के लिए बोला कि ये बच्चे तुम्हारे हैं, इनके लिए तुम्हें जीना है, कि ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। तब जाके धीरे धीरे उन चीज़ों से मैं बाहर निकली हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं कैसे, आज भी मैं ये सब सोचती ना देखो ना मेरे आंसू आने लगते हैं। इस चीज़ों के बारे में मैं सोचना नहीं चाहती, लेकिन इस तरीके के इतने क्वेश्चंस आते हैं कि आपने क्यों करी दूसरी शादी, ऐसी क्या पड़ी थी दूसरी शादी करने की, ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ी। तो ये सब रीज़न था दोस्तों, किसी औरत को नहीं लगता कि यार, क्योंकि वो जब पहले ही, जबकि देखो ठीक है पहली शादी तो मैंने लव मैरिज की थी ना, तो प्यार भी था सब कुछ था, उसका भूलना इतना आसान नहीं होता, भले ही कितने लड़ाई झगड़े होते हैं लाइफ में सब कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिल में वो जो जगह रहती है वो कभी हटती नहीं है, कितना ही कुछ कर ले वो आदमी अपने साथ, लेकिन एक प्यार तो प्यार ही होता है ना। तो वो चीज़ें सब चीज़ें थी मेरे साथ, नहीं भूल पाई थी मैं, लेकिन मैं निकल आई थी उन सब चीज़ों से बाहर और अपना जॉब पे फोकस कर रही थी। लेकिन ये दूसरी शादी के चक्कर में मेरा बहुत कुछ बर्बाद हुआ है दोस्तों, बहुत कुछ बर्बाद हुआ है। लेकिन आज इन 2-3 सालों मैंने अपने आप को संभाला है और आज इस पोजीशन पे पहुंची हूँ मैं कि आज मैं ये सब चीज़ों से बहुत दूर निकल चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा दूर। अब मैं सोचती भी नहीं हूँ कुछ नहीं, लेकिन अब जो यूट्यूब पे ये सारा चीज़, और मैंने मैन मेरा डिस्कस करने का ये भी सब कहते हैं कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पे शेयर करने की क्या पड़ी थी, तो इसीलिए पड़ी थी कि मैं सिर्फ ये चीज़ से दूसरों को सिखाना चाहती हूँ कि दूसरों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि दुनिया में कितने धोखे हो रहा है, तो जो मेरे साथ हुआ ना वो किसी और लड़की के साथ ना हो। सिर्फ मेरा ये उद्देश्य है ये सारी लाइफ पे, क्योंकि किसी को भी अपना तमाशा बनाने में मज़ा नहीं आता है, अपनी लाइफ का तमाशा यूँ सोशल मीडिया पे बनाने में मज़ा नहीं आता है। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही मोटो लेके चल रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है ना वो किसी और औरत के साथ ना हो, किसी लेडी के साथ ना हो, किसी लड़की के साथ ना हो। उनके पेरेंट्स पहले उन पर ध्यान देंगे, वो कहाँ क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, ऐसा नहीं वो जिससे बात कर रही वो गलत इंसान हो। ये सारी चीज़ें ये सिर्फ मतलब शेयर करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है मेरा कि किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, क्योंकि मेरी क्लास में तो बहुत सी लड़कियाँ आती हैं, मैंने उन्हें पर्सनली समझाती रहती थी कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे सिर्फ इसलिए डाला, कई लोग बोल रहे हैं कि आपने व्यू के लिए डाला, ये सब व्यू के लिए डालती ना इतना रोती नहीं मैं, इतना कुछ बताती नहीं, इतना कुछ नहीं करती। लेकिन जो चीज़ रियल है, जो भी चीज़ सच आता है, मेरे सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन कुछ लोग मुझे बहुत दुखी कर देते हैं, सच बता रही हूँ दोस्तों। शायद आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे दोस्तों, तो मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में, क्योंकि अब मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी।